यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम संभव पर्व में 122वां अध्याय युधिष्ठिर भीम और अर्जुन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब गांधारी को गर्भ धारण किए एक वर्ष बीत गया उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था उसका विधिपूर्वक जप किया। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती बोलो तुम्हें क्या दूं? धर्म के द्वारा हास्य पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरागी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक आठवां मुहूर्त विद्यमान था, उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी तेजस्वी तथा सदाचारी होगा। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः कुंती से कहा, प्रिय क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वरण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर हैं। अतः सुंदरी अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देवश्रेष्ठ वायु का विधिपूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा। स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने तब वायुदेव का ही आवाहन किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और यों बोले, कुंती तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यश्रेष्ठ मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशालकाय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई
और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरत नंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और तीन बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी। उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे। उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया था। भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सुलभ होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान है। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक सांवत्सर व्रत का उपदेश दिया और भारत वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्त वृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, राजन मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों गऊओं तथा सुहृदों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यों कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाला, यशस्वी, शत्रु दमन, नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दूरदर्श, कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रोणी अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के यों कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधिकाल में उत्पन्न हुआ।
फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजेय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा। कुंती ने सौरी में से ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर शतश्रृंग निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र, विनता के पुत्र, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्त ऋषिगण, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं, वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीचि और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं प्रजापति दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आए। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगी। महर्षि भी वहां सब ओर खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, उरणायु और अनग, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, तृणप, कार्ष्यण, नंदी एवं चित्ररथ, 13वें शालिशीरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ऋत्वा और बृहत्वा, बृहक एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वावसु एवं भुमन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु, राजन, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहां नृत्य करने लगी। उनके नाम इस प्रकार हैं, अनुचाना और अनवद्या, गुणमुखिया एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमा, मिश्रकेशी और अलंबुषा, मरीचि और शुचिका, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका,
लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं वपु, पुंडरिका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा शारद्वती आदि। ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वाची और पूर्वचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा ये 10 विख्यात हैं। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी है। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां वहां गीत गाने लगी। धाता और अर्यमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु, ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। शत्रुदमन महाराज, मृगव्याघ्र और सर्प, महायशस्वी निररिति एवं अजैकपाद, अहिर्बुधन्य और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग, ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में आकर खड़े थे। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्वे देवगण तथा साध्यगण वहां सब ओर विद्यमान थे। कर्कोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड, महानाग और तक्षक, ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। तारक्ष्य और अरिष्टनेमी, गरुड़ एवं असित ध्वज, अरुण तथा आरुणी, विनिता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तप सिद्धि महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदनंतर महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्मपत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, आर्य पुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह कुल्टा समझी जाती है। विद्वन, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्म शास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो यह ठीक है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। 123वां अध्याय, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पांडु पुत्रों के नामकरण संस्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप गुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था, परंतु इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतानहीन ही रह गई। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है।
सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडु बोले, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। यह संदेह बराबर बना रहता था, परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही, कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद न हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो। जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करता है। संपूर्ण राजऋषियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। अनंदिते, इसी प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, महाराज पांडु के यों कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से दो जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम नकुल था और दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बढ़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। तदनंतर शतश्रृंग निवासी ऋषियों ने उन सबके नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल और दूसरे का सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महान धैर्यशाली, अधिक वीर्यवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक शतश्रृंग निवासी समस्त मुनियों और मुनि पत्नियों के प्रिय थे। Oh,
यथार्थ मोक्ष।